तो ये रहा दोस्तों मेरे पास ओप्पो F19 Pro स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के टॉप 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप देखना इस वीडियो को एंड तक। आप इस वीडियो को एंड तक देखकर अपने स्मार्टफोन को ओप्पो F19 Pro स्मार्टफोन को बहुत ही औसम, मतलब बहुत ही ज़्यादा औसम तरीके से यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा वक्त देकर आप इस वीडियो को देखना, आप देखकर बहुत ही औसम, बहुत ही इंटरेस्टिंग कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को। तो चलिए यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़कर सबसे पहले फीचर की बात करते हैं। अगर आपको दो एप्लीकेशन एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज करना है तो एक एप्लीकेशन आपको ओपन करना है। एक एप्लीकेशन ओपन करके आपको थ्री फिंगर को ऊपर लेकर जाना है। थ्री फिंगर को ऊपर लेकर जाने के बाद नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। यहाँ से आप दूसरा कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं दो एप्लीकेशन एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज किया हूं, और आप इसको छोटा बड़ा भी यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह से दो एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर बात करते हैं दूसरे फीचर की। तो आप फॉर एग्जाम्पल एक एप्लीकेशन में हो और साथ में दूसरे एप्लीकेशन में भी हो, आपको उस एप्लीकेशन में जाना है तो आप इस मेनू बटन पर डबल क्लिक कर लेना है। इस तरह से आप डबल क्लिक करके दो एप्लीकेशन के बीच में ट्रांसफर हो सकते हैं। तीसरे फीचर की बात करने के लिए आपको स्क्रीनशॉट कैसे लें बता देता हूं। थ्री फिंगर को नीचे लेकर आना, स्क्रीनशॉट लग जाएगा, और आपको वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन पर एक साथ इस तरह से प्रेस कर देना है तो भी स्क्रीनशॉट आपका लग जाएगा। अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना तो आपको बता देता हूं, यहां पर लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको कहां से कहां तक लेना है, सिम कार्ड से लेकर आपको अबाउट तक लेना है लॉन्ग स्क्रीनशॉट। तो यहां से हम इतना करेंगे, और आपको थ्री फिंगर को नीचे लेकर आना है और इस पर आपको जल्दी क्लिक कर देना है। यहां पर आपको बता देता हूं, यहां पर इस पर आपको जल्दी क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको इस तरह से स्लाइड कर देना है नीचे जहां तक आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहिए। यहां पर अबाउट फोन तक चाहिए ना हमको, तो यहां पर यहां तक लेकर राइट पर क्लिक कर देंगे। तो ये रहा लॉन्ग स्क्रीनशॉट लग चुका है। इतना आप यहां से इस तरह से लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए यहां पर आगे बढ़कर बात करते हैं चौथी फीचर की। चौथी फीचर की बात करने के लिए आपको यहां पर लॉन्ग प्रेस करना है होम स्क्रीन पर। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको यहां पर दिख रहा है लाइट है, यहाँ पर लाइट पर आपको क्लिक कर देना है। ये है ना 4X6 5X6, ये स्क्रीन के कस्टमाइज, मतलब ये एप्लीकेशन है ना स्क्रीन के, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा कम कर सकते हैं, एप्लीकेशन छोटे बन बड़े बनकर बैठेंगे, इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपको तो मैं बता रहा हूँ, जैसा आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर कर लेना। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं पाँचवें फीचर की। पाँचवें फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रिसेंट टैक्स में बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, यहाँ पर आपको बताया था यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन हमने यहाँ पर रखे हैं रिसेंट में। यहां पर क्लोज ऑल करने के बाद में सारे एप्लीकेशन चले जाएंगे। जो एप्लीकेशन को क्लोज ऑल करने के बाद यहां से नहीं जाना चाहिए, जो एप्लीकेशन क्रोम को कर लेते हैं लॉक कर लेते हैं। लॉक करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर हम क्लोज ऑल कर लिया, तो जो हमने एप्लीकेशन को लॉक किया है वो रहेगा यहीं पर, नहीं जाएगा। क्लोज ऑल करने के बाद में टू डॉट पर क्लिक करके आप वापस इसको अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक करने के बाद में, क्लोज ऑल करने के बाद में सारे एप्लीकेशन चले जाएंगे। यहां पर बात करते हैं छठी फीचर की। छठी फीचर की बात करने के लिए आपको यहां पर कोई भी एप्लीकेशन यहां से ओपन कर लेना है। ओपन करके आपको इस मेनू बटन पर क्लिक कर देना है और यहां पर टू डॉट पर क्लिक करके आना है। यहाँ पर फ्लोटिंग विंडोज आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस तरह से आप है ना एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये भी यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर इस तरह से कर लेना। तो चलिए, और उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं आगे बढ़कर सातवीं फीचर की। इसमें आपको क्लिक कर लेना है, टू डॉट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर मिनी विंडो आपको दिख रहा है, एकदम छोटा विंडो आप देख सकते हैं। यहाँ पर छोटे विंडो में भी एप्लीकेशन को आप यहाँ पर रख सकते हैं, दूसरा कोई भी एप्लीकेशन यहाँ से यूज कर सकते हैं। छोटे विंडो में भी यहाँ पर ओपन है एप्लीकेशन, इस तरह से आप यहाँ पर करके यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं आठवें फीचर की। आठवें फीचर की बात करने के लिए इसी तरह हम यहाँ पर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और जाएंगे रिसेंट टैक्स पर और टू डॉट पर क्लिक करेंगे, और आपको यहाँ पर दिख रहा है मैनेज। मैनेज पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर डिस्प्ले रैम मेमोरी आपको ये दिख रहा है, ये क्या आपको बताता हूँ। यहाँ पर रिसेंट टैक्स रिमूव करते वक्त यहाँ पर रैम कितना अवेलेबल बचा है यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ से इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद में आपका रैम कितना अवेलेबल बचा है यहाँ पर रिसेंट टैक्स रिमूव करते वक्त बता देगा, इस तरह से आप यहाँ पर वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर नाइन्थ फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे हम, जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद और आपको यहाँ पर दिखता होगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है लाइट है फिलहाल, आप इसको डार्क कर लेना। आप डार्क करेंगे ना तो आपकी आंखों को भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके स्क्रीन का, और साथ में आपकी बैटरी भी कम कंज्यूम होगी, फोन की बैटरी भी कम कंज्यूम होगी, इसलिए आपको डार्क मोड यूज करना है। और डार्क मोड सेटिंग पर आपको क्लिक करके है ना यहाँ पर इसको मॉडिफाई, मीडियम में डार्क मोड होना चाहिए या जेंटल या जैसा आपको अच्छा लगे, यहाँ पर वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एकदम आप इसको डार्क में कर लेना। यहाँ पर बात करते हैं दसवें फीचर की। तो क्या करेंगे हम, जाएंगे सेटिंग में। मैं तो यहाँ पर सेटिंग में आता हूँ, यहाँ पर मैं डार्क मोड को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना उसलिए। तो चलिए यहाँ पर आना है उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है। आने के बाद आपको यहाँ
पर दिख रहा है आई कंफर्ट है, इस पर आपको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। आप देख सकते हैं ये भी इसी के रिगार्डिंग आता है, डार्क मोड के रिगार्डिंग ही इसको ऑन कर लेना है। आपकी बैटरी भी कम कंज्यूम होगी और आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये भी इसी का रिगार्डिंग है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं और 11 फीचर की, 11 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग और उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आएंगे। आने के बाद और नीचे आना है, और नीचे आना स्क्रीन कलर टेम्परेचर आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन कलर टेम्परेचर भी जैसा आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं 12 फीचर की, तो उसके ठीक बाजू में आपको यहाँ पर ठीक बाजू में ठीक नीचे आपको दिख रहा है फॉन्ट साइज एंड डिस्प्ले साइज। आप देख सकते हैं अपने फॉन्ट के साइज को भी आप यहाँ पर, ये रहा फॉन्ट साइज, आप इस पर आपको फॉन्ट बड़े करके अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से आपके फॉन्ट्स बड़े हो जाएंगे, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप अपने फॉन्ट्स को भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये तो रहा, और बात करते हैं 13 फीचर की, तो इसी फॉन्ट साइज एंड डिस्प्ले साइज में आना है। आने के बाद नीचे आपको दिख रहा है मैं फॉन्ट साइज एक थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है डिस्प्ले साइज, आप डिस्प्ले का साइज को भी बड़ा कर सकते हैं। सारे एप्लीकेशन सब कुछ यहाँ पर आइकॉन सब कुछ बड़े हो जाएंगे, डिस्प्ले साइज को आप बड़ा करेंगे तो इस तरह से आप डिस्प्ले साइज को भी बड़ा कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से यहाँ पर कर लेना। तो चलिए यहाँ पर और इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद और बात करते हैं 14 फीचर की। यहाँ पर आपको मोर पर क्लिक करना है, मोर पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन डिस्प्ले आपको यहाँ पर दिख रहा है, स्क्रीन डिस्प्ले पर आपको क्लिक कर लेना है। ये जो 5 होल दिख रहा है ना, इसको आप हाइड करना चाहते हैं तो हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रंट कैमरा डिस्प्ले बाय ऐप पर आपको क्लिक कर लेना है, कौन सा एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में ये हाइड होना चाहिए फ्रंट कैमरा, वो यहाँ पर वो एप्लीकेशन सेलेक्ट करके तो यहाँ पर उसको आप हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ से हाइड कर लेना तो वो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद डिस्प्ले आपका कट यहाँ से ओपन हो जाएगा, यहाँ से दिखेगा, यहाँ पर ब्लैक रहेगा, इस तरह से आप हाइड कर सकते हैं। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है, सेटिंग में आने के बाद और आपको यहाँ पर दिख रहा है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, आपको इसी सेटिंग में आने के बाद और नीचे आना है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन कर लेना है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को। इस तरह से आप ऑफ करेंगे बट लॉक बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले या ऑन रहेगा, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। और डेट और नोटिफिकेशन बैटरी ये सब कुछ आप डिटेल्स यहां पर रख सकते हैं। तो आप ऑल डे करना चाहते हैं ऑल डे कर सकते हैं, पावर सिंग चुडुल कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑल डे कर लेना, तो इसको एक बार क्लिक करके ऐसे ऑल डे कर लेना। तो चलिए और बात करते हैं अभी आगे बढ़कर 16 फीचर की, 16 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर थोड़े फोन के भी फीचर्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आना है, सेटिंग में आने के बाद डिस्प्ले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है, चूज थीम आपको दिख रहा हो यहाँ से आप डार्क कर सकते हैं। ये सब कुछ तो यहाँ पर ये लाइट मोड है, लेकिन आप इस फोन वाले एप्लीकेशन को इतना ही डार्क करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फोन वाले एप्लीकेशन को इतना ही डार्क कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर लेना। और आते हैं इसी सेटिंग में और बात करते हैं 17 फीचर की, आपको यहाँ पर दिख रहा है साउंड एंड वाइब्रेशन, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। वाइब्रेट फोर रिंग ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है, आपको कॉल आता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी हो जाएगा। 18 फीचर की बात करने के लिए और नीचे आना है, और नीचे आने के बाद वॉल्यूम बटन फंक्शन है, ये है ना, आप इसको मीडिया वॉल्यूम भी कर सकते हैं या तो रिंगटोन वॉल्यूम भी कर सकते हैं। यहाँ पर मीडिया वॉल्यूम किया ना तो आप वॉल्यूम बटन पर क्लिक कर लिया तो डायरेक्ट मीडिया वॉल्यूम ज्यादा होगा, आप रिंगटोन वॉल्यूम किया ना तो वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने के बाद रिंगटोन वॉल्यूम ज्यादा होगा। अगर मैं कहूँ तो आपको रिंगटोन वॉल्यूम कर लेना, अगर आपको साइलेंट करना अपने स्मार्टफोन को तो यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे ना वॉल्यूम माइनस बटन पर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आपका स्मार्टफोन यहाँ से साइलेंट भी हो जाएगा, इस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको रिंगटोन वॉल्यूम ही कर लेना है। बात करते हैं 19 फीचर की, उसी सेटिंग में आने के बाद ठीक नीचे दिख रहा है डू नॉट डिस्टर्ब, यहाँ से इसको कब यूज करना है आपको बता देता हूँ। अगर आप मीटिंग में रहते हैं या किसी भी इंपॉर्टेंट काम में आप रहते हैं तो आप इसको ऑन किया ना तो आपको कॉल मैसेज कुछ भी आए तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा, रिंगटोन भी नहीं बजेगा। और आप शेड्यूल, आप डेली मीटिंग में रहते हैं तो यहाँ पर शेड्यूल पर क्लिक करके यहाँ से आप इसको ऑन करके आपकी मीटिंग स्टार्ट टाइम रख लेना, एंड टाइम रख लेना, और रिपीट डे डे बाय डे वो भी सेलेक्ट कर लेना, और डेली ऑटोमेटिक वो डो नॉट डिस्टर्ब उसी टाइम ऑन हो जाएगा, उसी टाइम आपकी मीटिंग खत्म होती ऑफ हो जाएगा, इस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं डो नॉट डिस्टर्ब को यूज करके। यहाँ पर बात करते हैं 20 फीचर की, तो उसी और सेटिंग में आना है आपको, उसी साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आते हैं। नीचे यहाँ पर सिस्टम फीडबैक आपको दिख रहा होगा, ये सारे साउंड्स को आपको सबसे पहले ऑफ कर लेना है, आपकी बैटरी बैकअप ज्यादा देगी। कैसे आपको बता देता हूँ, आप इनको ऑन किया ना तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद में और अनलॉक करने के बाद में टच करने के बाद में स्पीकर से साउंड आता है तो वहां से बैटरी कंज्यूम होती है, ऑफ करने के बाद स्पीकर ऑफ रहेगा, बार बार आवाज नहीं आएगा स्पीकर से तो बैटरी वहां से कंज्यूम नहीं होगी। 21 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे दिख रहा है वाइब्रेट ऑन टच, ये बैक बटन होम बटन मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो इसको ऑन कर लेना, नहीं तो उसको ऑफ कर लेना। मैं कहूं तो इसको ऑफ ही रहने देना क्योंकि ये भी बैटरी कंज्यूम कर लेता है। बात करते हैं 23 फीचर की, तो इसी फोन में आना है और 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आना है। यहां पर दिख रहा है कॉलिंग अकाउंट्स, आपको इस पर क्लिक कर लेना है, फ्लैश ऑन कॉल पर इसको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। ये क्या आपको बता देता हूं, अब मान लो कि आपको कॉल आता है, कॉल आने के बाद में फ्लैश लाइट भी लगेगी, ये जो फ्लैश लाइट है ना तो यहां से वो फ्लैश लाइट भी लगेगी, तो आप टेबल पर जेब में कहीं भी मतलब दूर रखें कहीं भी फोन को साइलेंट करके तो फ्लैश लाइट को लगते हुए देखकर आप पहचान सकते हैं
कॉल आ रहा है बोलकर। बात करते हैं 24 फीचर की, तो उसके ठीक नीचे और दिख रहा है एटोन्सर है, यहाँ पर इसको ऑन कर लेना, ऑन कर लिया ना तो यहाँ पर डिले एटोन्सर है, अब 10 सेकंड कर लेना। ये क्या आपको बता देता हूँ, अब मान लो कि आपको आप ब्लूटूथ कनेक्ट करके रखें, ब्लूटूथ कनेक्ट है और आपको कॉल आता है तो 10 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाएगा। एक स्टेप बैक करने के बाद बात करते हैं 25 फीचर की, यहाँ पर दिख रहा है वाइब्रेट वन कॉल इज एंसर्ड एंडेड, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। ये क्या है आपको बता देता हूँ, अब मान लो कि आप किसी को कॉल कर रहे हैं तो वो कॉल रिसीव कर लिया तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाएगा, और आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो कॉल कट हो जाएगा तो भी आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाएगा। तो चलिए आते हैं बैक अगर और बात करते हैं यहाँ पर इसी सेटिंग में 26 फीचर की, और आपको यहाँ पर दिख रहा है कॉलर आईडी एंड स्पैम है, यहाँ पर इसको भी वेरीफाई कॉल इसको भी कर लेना, जो स्पैम कॉल आते हैं वो सब कुछ वेरीफाई वगैरह हो जाएंगे, और नियर बाय प्लेस है यहाँ पर सब कुछ, यहाँ से इसको ऑन वगैरह कर सकते हैं नहीं तो इसको ऑफ ही रहने देना। और यहाँ पर बात करते हैं 27 फीचर की, तो यहाँ पर ब्लॉक नंबर आपको इस पर क्लिक कर लेना है, अनकनोन नंबर को आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी लेडीज स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं तो अनकनोन नंबर से बहुत सारे कॉल आते हैं तो यहाँ से आप परेशान हो जाते हैं अनकनोन नंबर से कॉल आने के बाद में, तो यहाँ पर यहाँ से इसको ऑन कर लेना, जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उस नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा, इस तरह से यहाँ से आप वो भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़कर अब बात करते हैं 28 फीचर की, तो हम क्या करेंगे जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में आने के बाद और आपके यहाँ पर दिख रहा है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, आपको इस पर क्लिक कर लेना है, पुल डाउन नोटिफिकेशन ड्रॉअर ऑन लॉक स्क्रीन। ये क्या आपको बता देता हूँ, अब मान लो कि आपको व्हाट्सएप से मैसेज आता है या कोई भी एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पल लेते हैं व्हाट्सएप को, आप व्हाट्सएप से आपको मैसेज आता है तो आपको मैसेज आने के बाद और आप लॉक स्क्रीन पर हैं, लॉक है आपका स्मार्टफोन तो सारा मैसेज यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर बताना चाहिए नहीं, इस तरह से डाउन करने के बाद में बताना चाहिए, तो इस सेटिंग को ऑन कर लेना नहीं तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं। 29 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, और उसी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार सेटिंग में आना है, यहाँ पर देख सकते हैं मैनेज नोटिफिकेशन है, यहाँ पर मैनेज नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन लॉक नोटिफिकेशन है, ये आप डू नॉट शो कर सकते हैं, पूरा बॉडी कुछ भी शो नहीं होगा लॉक स्क्रीन पर, आप यहाँ पर इसको डू नॉट शो करेंगे ना तो लॉक स्क्रीन पर है तो आप कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं होगा, यहाँ पर आप है ना इसको डिस्प्ले टाइटल एंड बॉडी आप इतना कर सकते हैं, यहाँ पर इतना बता देगा लॉक स्क्रीन पर। बात करते हैं 30 फीचर की, तो उसके ठीक नीचे और यहाँ पर दिख रहा है बैज, यहाँ पर आप ना नंबर और डॉट कर सकते हैं, नहीं तो नंबर कर सकते हैं, डॉट कर सकते हैं, नहीं तो आप डू नॉट शो भी कर सकते हैं। क्या आपको बता देता हूँ, आप है ना यहाँ पर नंबर किया ना, आप मान लो कि आपको व्हाट्सअप से या कोई भी एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पल लेते हैं व्हाट्सअप को, आप नंबर किया तो आपको व्हाट्सअप से 50 मैसेज आते हैं तो व्हाट्सअप के ऊपर 50 बता देगा तो आप 50 को देखकर पहचान सकते हैं 50 मैसेज व्हाट्सअप से आए हैं बोलकर। यहाँ पर दिख रहा है डॉट, आप डॉट करेंगे ना तो आपको 50 है कितने भी मैसेज आए बस एक डॉट बता देगा उस एप्लीकेशन के ऊपर, तो उस डॉट देखकर आप पहचान सकते हैं आपको मैसेज आया है बोलकर। अगर मैं कहूँ तो नंबर और डॉट दोनों करना है दोनों दिखाई देंगे। तो चलिए और बात करते हैं अभी 31 फीचर की, वैसे ये रहा पार्ट वन, इस पार्ट वन में आपको मैं 30 फीचर्स बता दिया इसी ओप्पो F19 Pro स्मार्टफोन के, इस 30 फीचर को देखकर आप जब तक एवसम कर लेना, अपने स्मार्टफोन को एवसम कर लेना और उसके बाद बाकी 30 फीचर देखने के लिए इसी स्मार्टफोन के, तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो यहाँ पर एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा। और इसी स्मार्टफोन की एक और वीडियो आपको देखना है जो 20+ टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स वाला एक और वीडियो देखना है तो उस वीडियो की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो भी कुछ यूनिक फीचर बताया हूँ इसी टिप्स एंड ट्रिक्स ही, लेकिन जो ये दो पार्ट वन पार्ट टू में नहीं बताया मैं जो फीचर्स और एक्स्ट्रा 20 फीचर बताया हूँ मतलब एक और वीडियो में, तो उस वीडियो को भी देख लेना और पार्ट वन को भी देख लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहा है आपको पार्ट टू वीडियो।